प्रकृति में अगर हम देखें तो हर प्रकार के समाधान मिलते हैं। उसी क्रम में अगर हम देखें तो कई लोगों का जीवन प्रकृति को समर्पित होता है। ऐसे ही प्रकृति प्रेमी से हम यहाँ मिलने आए हैं, प्रदीप जी जो चौधरी जी हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्रकृति के संरक्षण में, और साथ में उन्होंने यहाँ पर 250 से ज़्यादा अलग अलग तरह के जो पौधे हैं उनको यहाँ पर लगाया है। अलग अलग वैरायटी के पौधे हम यहाँ पर आप लोगों को इस गांववाणी स्टूडियो के रविवार विशेष कार्यक्रम आओ लौट चले गाँव की ओर प्रकृति की ओर में आप लोगों को यहाँ हम दिखाएंगे। और आज हमारी पूरी टीम के साथ हम यहाँ पर आए हुए हैं और प्रकृति ने भी हमारा ही आज साथ दिया है। बरसात की भीनी भीनी बारीक बारीक बूंदें हमें प्रतीत हो रही हैं और यहाँ आकर हमें भान भी हो रहा है कि अगर प्रकृति की गोद में, अगर प्रकृति के संरक्षण के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से प्रकृति भी हमारा साथ देती है। जिस प्रकार प्रकृति प्रेमी प्रदीप जी से हम पूर्व में मिले तो उन्होंने कहा कि लगातार हम श्रम कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन पानी की आपूर्ति समय से ना होने के कारण इन पौधों में काफ़ी दिक्कतें इनको महसूस होती हैं। इस विकट विषम परिस्थितियों में उन्होंने संघर्ष करके ना सिर्फ इन पौधों को जीवित रखा है, साथ में इन्हें वृक्ष बनाने की ओर भी वो प्रगति की ओर अग्रसर कर रहे हैं। ऐसे ही एक प्रकृति प्रेमी से आज हम हमारे इस गांववाणी स्टूडियो में रूबरू कराएंगे और उनसे आपको वार्तालाप कराएंगे कि किस प्रकार उन्होंने संघर्ष करके और इस पहाड़ी भरे क्षेत्र में, क्योंकि लगभग 20 फुट के क्या 5 के फुट के बाद में नीचे बिल्कुल पत्थर की एक चट्टाने यहाँ पर उपलब्ध है, लेकिन फिर भी उन्होंने परिश्रम करके इन पौधों को जीवंत किया है। तो चलिए ऐसी शख्स से हम आपको रूबरू कराते हैं। नमस्कार दोस्तों, गांववाणी स्टूडियो के रविवार विशेष कार्यक्रम में आज हम प्रकृति को संरक्षित करने में और प्रकृति को जीवंत बनाने में जिन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित किया और एक ऐसा नवाचार करते हुए जहां असंभव को संभव बनाने का जो एक काम किया है, और कहते हैं कि अगर ठान ले तो कोई भी असंभव काम नहीं, और कहा जाता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फूंक सकता, लेकिन आज हम ऐसी एक शख्सियत से आप लोगों को रूबरू करा रहे हैं। हमारे गांववाणी स्टूडियो में प्रदीप चौधरी जी हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और आज हम धीरोड़ा में आपके यहाँ जो गौशाला है और हर्बल पार्क है उसमें हम अपनी टीम के साथ आए हैं, और मैं सभी श्रोताओं को अपनी ओर से और प्रदीप जी की ओर से बताना चाहूंगा कि ये स्थल 2010 में इन्होंने नवाचार करके आरंभ किया। तो हम जानना चाहेंगे प्रदीप जी आपसे कि किस प्रकार आपके मन में ये विचार आया, कैसे प्रकृति के संरक्षण के रूप में आप लोग जुड़े और ये आज जो स्वरूप हम देख रहे हैं कि पहले और आज, मतलब कहें कि पूर्व में जब आरंभ किया तब यहाँ क्या स्वरूप था और आज जो चीज हम देख रहे हैं प्रकृति का इतना एक आच्छादित स्वरूप हमें देखने को मिल रहा है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे। सर, हमारे श्रोता भी आपसे रूबरू होना चाहेंगे। ये हमने इसकी शुरुआत 2010 से की थी। उससे पहले मैं जॉब करता था, मैं मैकेनिकल लाइन से था। 12वीं करने के बाद पॉलिटेक्निक किया था और मैं एज ए मैकेनिकल इंजीनियर काम करता था। उसके बाद पेड़ों में शुरू से ही रुचि थी, तो किसी ने कहा कि यदि आपको पेड़ों का ही करना तो एनजीओ से जुड़ो, तो एनजीओ जानते नहीं थे। फिर नेट पर सर्च मारा तो एक यहाँ तरुण भारत संघ था, तो मैं वहाँ पर आया 2009 के आसपास। फिर एक साल वहाँ रहे, वहाँ फ्री हमने फ्री सेवा की एक साल तक, पौधे तैयार किए, लोगों को बांटे। फिर लगा कि करना ही है तो किसी गाँव देहात में जाकर किया जाए, तो मैं नेट से मैप लेके चंबर के किनारे किनारे भी 3-4 दिन करौली धौरपुर साइड में गया, तो वहाँ मुझे 3-4 दिन में कोई इस तरह का नहीं मिला। लोगों ने और ये कहा कि आप इस तरह घूमोगे तो उस टाइम का डकैतों का ज़्यादा वो रहता था कि आपके साथ कुछ घटना भी हो सकती है। फिर उसी समय मुझे एक गाँव, इस गाँव का एक व्यक्ति मिला कि आप हमारे यहाँ लगाइए, हीरामल का बांध है और ये है वो है। तो जब आके देखा तो एक छोटा सा झोड़ था, लेकिन आदमी वो ये ना कि ऊपर वाले को जहाँ आपको पहुँचाना होता है वो पहुँचा ही देता है। बिल्कुल सर। तो फिर वहाँ चलो कोशिश करते हैं। तो फिर हमने यहाँ एक तिरपाल सी डाल के एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, झोपड़ी का तिरपाल भी डाली, 6 महीने तक रही, पौधे खड्डे खोद खोद के पौधे लगाए। तो यहाँ क्या जमीन बहुत हार्ड है, करीबन 80% 90% पत्थर है। अब वो शुरुआत कर दी तो फिर ये लगा कि शायद हो जाए, तो वो धीरे धीरे हुआ भी। उसके बाद क्या एक रहे कि गांव वालों का इतना बड़ा सहयोग नहीं था यहाँ पर, बिल्कुल भी एक तरह से कहेंगे गांव का सहयोग कम था। तो
पेड़ लगाते गए, लेकिन 3 साल तक जो है नॉन स्टॉप चाय रोटी खाई। गांव में मैं जाता नहीं था, शहर में भी, यहाँ कोई पास में कस्बा, वहाँ भी नहीं जाता था। मैं थोड़ा सा दूध यहाँ पड़ोस से लेके और अपना चाय रोटी भी खाता था। कोई साधन भी नहीं था, लोगों का सहयोग भी नहीं था। हालांकि उससे मेरा लीवर डैमेज हुआ है और मेरा 81 का जन्म है, लेकिन देखने में लगता है जैसे 61 हो। तो लेकिन उस टाइम का एक जोश था, वो जोश में वो प्रक्रिया चलती गई। पानी भी यहाँ से करीबन ये मान के चलो 700 मीटर दूर एक कुआ था, उस कुएं से ही खींच के लाना होता था और पौधों में डालना होता था। उसके लिए करते करते धीरे धीरे चलता गया। तो कुछ पौधे जब बढ़ते थे, नए पत्ते निकलते, तो एक उम्मीद जगती थी। शरीर जरूर कष्ट पाता था, लेकिन उनके नए पत्ते देख के एक उम्मीद बनती थी कि शायद ये जंगल बन जाए, शायद ये पेड़ बन जाए। वो लगे रहे, फिजिकली वाकई कष्ट था उस टाइम पे। अब मैं कहूँगा इतना नहीं है, अब शरीर भी साथ नहीं देता इतना। और उसके बाद 2014 में कुछ गायें आके यहाँ मर गई, मेरे पास एक लंगड़ी सी गाय आके रहने लगी। तब पर धीरे 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 फिर चला कि चलो गायें के लिए कुछ करें। एक साधु थे दादूपंती, उन्होंने चारा सा भेज दिया यहाँ पर, फिर उससे फिर थोड़ी सी गायों का शुरू किया। तो हमने ज़्यादा गायें तो नहीं की, हम कोशिश करते कोई लंगड़ी लुली गायें जो होती हैं वो या कोई लवारिस हो उनका ही कर पाते हैं, क्योंकि इतनी क्षमता नहीं है हमारी। लगभग आज की तारीख में 135 गायें के आसपास हमारे पास हैं, जिसमें अंधी भी हैं लंगड़ी भी हैं। कुछ जंगली जानवर भी जैसे छोड़ जाते हैं, वन विभाग वाले, एक्सीडेंट हो गया है या बचपन में कोई बच्चा छूट गया है, तो जो भी हम सेवा होती है हम उसकी भी करते हैं। तो एक दो जानवर भी, जंगली जानवर भी हैं जो खुली हैं, वो जाते ही नहीं, उनको निकाल देते हैं, वो जाते ही नहीं है। तो उनको हमने बचपन में हाथ से दूध पिलाया है, बोतल से दूध पिलाया है, तो एक जुड़ाव सा हो गया है उनका भी। लेकिन हमारी तरफ से वे आज़ाद है, कहीं भी जाएं। और इसी तरह यदि कभी भी ले आते हैं तो हम करते हैं जो अपने सहू पात्र। बिल्कुल सर, अभी हमें जानने को मिला कि यहाँ कई अलग अलग प्रजाति के आपने औषधीय पौधे भी यहाँ पर लगाए हैं। हाँ जी हाँ। तो वो किस किस प्रकार के आपने पौधे यहाँ पर लगाए हैं, हम जानना चाहेंगे। यहाँ लगभग 250 वैरायटी के पौधे हैं, 250 प्लस ही मान के चलिए। तो पहले हम ज्यादातर बड़, पिपल, नीम, गुल्लर इस तरह लगाते थे, लेकिन 4-5 साल बाद पहले जो एक आइडिया सा आया कि इनको भी बढ़ाया जाए। थे कुछ पहले भी, थे करीबन 30-40 तरह के पौधे थे, लेकिन मैं इनको भी और बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि यदि आज की जनरेशन से आप बात करें, मैं आपसे भी करूँ, या आप तो चलो फिर भी थोड़ा जानकार हैं, जो अनजान व्यक्ति से, पढ़ने वालों से, नौकरी करने वालों से बात करें कि कितनी वैरायटी के पौधों के नाम पता है, तो वो आपको ज़्यादा से 20-25 का नाम बताएगा। पहचान बताए तो शायद 10 का भी नहीं बता पाएंगे। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे जिनको बड़ के पौधे की पहचान नहीं, शीशम के पौधे की पहचान नहीं है। वो बिल्कुल एक तरह से मतलब किताबी कीड़े कहूँगा मैं, कि किताबी ज्ञान है उनको, केवल प्रैक्टिकली जीरो है। तो फिर मैं चलो एक मॉडल तैयार हो जिस आने वाली जनरेशन को किसी की इच्छा है तो वो सीख सके, एक जगह देख सके। अब जैसे बहुत लोग आते हैं, उनकी इच्छा होती तो एक जगह उनको दिखाते हैं, तो वो अपने यहाँ जाकर लगाने की कोशिश करते हैं। तो उसी को मैं अपनी कामयाबी मानता हूँ, कि हमारी कामयाबी बस यही है कि यहाँ से लोग सीख के अपने यहाँ लगा रहे हैं। बिल्कुल सर। जय कोई साधु है या एनजीओ वाले हैं या स्कूल के हैं या कुछ पर्यावरण प्रेमी होते हैं, तो वे लोग सीख के अपने यहाँ लगाने की कोशिश करते हैं, मैं तो यही कामयाबी मानता हूँ। नहीं बिल्कुल सर, अभी हमने देखा यहाँ पर आपने नर्सरी भी तैयार की हुई है। हाँ। और अलग अलग तरह के पौधे आपने वहाँ पर तैयार किए हैं। हाँ। और उस नर्सरी का जो बनाने का मकसद क्या था आपका, मैं ये भी जानना। यहाँ के आसपास कोई नर्सरी नहीं है, जैसे दोसा पड़ता है 30 किलोमीटर है, राजगढ़ 50 किलोमीटर है, उससे पहले कोई नर्सरी नहीं है। तो लोकल में जो है मेरी इच्छा करी एक बड़ का पेड़ लगाने की, ठीक है, कौन 50 किलोमीटर दूर जाके एक पौधा लाए। तो वो अड़कसमा आदमी, वो सीजन निकल जाता है, 2 महीने बारिश होती है वो भी टाइम निकल जाता है। तो इसलिए हमने नर्सरी तैयार की। पहले हम तैयार करते थे और फ्री बांटते थे, लेकिन लोग थोड़ा उसका मिसयूज भी करते थे, इतनी केयर नहीं करते थे। फिर बाद में कुछ हमें नरेगा से सपोर्ट हुआ, एक अधिकारी थे जसवीर सिंह सिंधु, वीडियो थे नीति राम मीणा जी, उन लोगों का अच्छा सहयोग रहा, सेक्रेटरी भी थे सीताराम जी, तो उन लोगों ने थोड़ी रुचि दिखाई और वो हमने एक नर्सरी तैयार की। तो नर्सरी में लगभग हमारे 35-40 तरह के वैरायटी के हम पौधे तैयार करते हैं। लास्ट ईयर तो करीबन हमारे 75 वैरायटी के पौधे थे, छोटे बड़े,
कुछ औषधि भी थे कुछ वो थे, लेकिन इस बार पानी की कमी की वजह से हम इतना ज्यादा नहीं कर पाए हैं। तो नहीं बिल्कुल सर, हमने देखा कि जिस प्रकार आपने यहाँ पर जो ज्यादातर चीजें इस तरह से बनाई है कि प्रकृति से ज्यादा छेड़छाड़ ना किया जाए। हाँ। और प्रकृति में जो चीजें उपलब्ध हैं, जैसे ये हट जहाँ पर हम बैठे हैं, यहाँ भी आपने बिल्कुल पूरा प्राकृतिक जो प्रकृति का जो संरक्षण है उस चीज का आपने ख्याल रखा है। झरने आपने दो जगह बना रखे हैं, एक जगह आपने चुग्गा घर बना रखा है जहाँ पक्षियों को प्रतिदिन चुग्गा डाला जाता है। और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि सर ये जो झरने का जो आपका आइडिया था, क्योंकि पिछली बार जब हम आए तो हमने देखा कि पक्षी, क्योंकि बिल्कुल दोपहर ही भरे पार्ट में हम आए थे और जितने भी पक्षी बैठे थे उनके मुंह सभी के खुले हुए थे, लेकिन झरने के पास आके हमने ये भी देखा कि सभी लोग उस पानी की जो बूंदे थी जो झरने से गिर रही थी वो अपने हलक में इस तरीके से उनको एक शीतलता का भान हो रहा था, वो भी हमने देखा तो बहुत अच्छा प्रतीत हुआ। तो ये झरने वाला आइडिया किस तरीके से झरने वाला इसलिए था कि जैसे हम डीप क्यों में भरते हैं गांव देहात में आपने देखा भरते हैं पानी, तो उसमें हम देखिए हमारे पास थोड़ा वर्कलोड ज्यादा रहता है, गाय है पेड़ है मैन पावर उतनी है नहीं है, तो एक भर दिया पता चला कि एक पक्षी उस पर बैठा हो गिर गया जब मोर आया मोर ने डोल दिया, या कभी कभी हम भूल गए तो एक आस हो जाती है ना कहीं पे जा। खाना और पानी एक ऐसी चीज है जो पर डे हम लेते हैं, उसके बगैर हमारा काम नहीं चलता है। तब ये लगा कि एक ट्रे टाइप में हम पानी भरे लंबा जो इकट्ठा रहे और गहराई भी कम रहे कि पक्षी उसमें नहा भी सके और पी भी सके, तो फिर एक ट्रे भरे तो गंदी होए, तो इसलिए हमने इसको एक स्टेप बाय स्टेप बना लिया और इसमें एक छोटी सी मोटर लगा दी तो पानी रोटेट भी होता रहता है तो साफ भी हो जाता है, गंदगी धीरे धीरे नीचे आ जाती है और प्लस पानी घूमता है तो ठंडा होता है, जिस तरह हवा के संपर्क में आता है वो एक साइंस है कि वो ठंडा होता है। बिल्कुल सर, नहीं तभी मैंने वो चीज देखा प्रायोगिक तरीके से मुझे प्रतीत हुआ कि कहीं ना कहीं ऐसा शीतलता का जो भान उन पक्षियों को हो रहा था, आसपास का टेम्परेचर बहुत हाई था लेकिन जब बिल्कुल झरने के पास में गए तो वहां का टेम्परेचर खूब मॉइस्चर बढ़ जाता है ना, पानी यदि चलता रहता है ना ऊपर एक झरना का रूप में तो वो ज्यादा मैं नहीं कहूंगा बहुत लंबा, लेकिन वो जैसे ही आपका 2 मीटर है 3 मीटर है जो भी है उसमें मॉइस्चर तो फैलता ही है, ठंडक फैलती है तो पक्षी को ठंडक पक्षी हमसे ज्यादा महसूस करते हैं। जब सर शुरुआती दौर में जब आपने इस आंदोलन को आरंभ किया, क्योंकि मैं तो इसको एक आंदोलन का ही नाम दूंगा, क्योंकि जब जिस तरह का परिश्रम आपने यहाँ पर किया है वो वाक्य में आपकी दृढ़ निश्चयता और साथ में आपकी जो दूरगामी सोच का एक परिणाम जो यहाँ प्रतीत हो रहा है, तो क्या क्या ऐसी कठिनाइयां थी जो आपको फेस हुई जब ये 2010 से और आज हम 2024 में बात कर रहे हैं, तो लंबा जो 14 साल का जो सफर आपने तय किया, तो ऐसे कौन कौन से मतलब संघर्ष के जो दौर देखे, कई बार हिम्मत जवाब भी देती होगी क्योंकि जब हम इस तरह का सामाजिक सरोकार का काम करते हैं तो कई बार मतलब जो मन जो है वो विचलित भी होता है, तो ऐसी परिस्थितियों में आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट किया और ये एग्जांपल आप सेट कर पाए? शुरू में जैसे लगाए पानी नहीं था, पानी भी हमें दूर से लाना पड़ता था, पौधों में लगा था, बताया ना आपसे मैंने कि जब भी पौधे में नया पत्ता निकलता था उससे एक उम्मीद बनती थी, आदमी स्वाभाविक है कि पत्थर है पथरीला आ रहा है खड्डे खुद नहीं रहे हैं पौधे लगा दिए हैं उनके बचाने के लिए मेहनत कई गुनी लग रही है, जैसे मैं कभी कभी ये सोचता कि पूरे दिन में किया क्या है, कुएं में से पानी खींचा इतनी दूरी लेके आए, आना जाना 1.5 किलोमीटर के आसपास हो जाता था और उसमें कितना पानी लाए हम 25-30 लीटर, तो पूरे दिन में कितना पानी लाए कि 1 रुपए के डीजल में जितना इंजन पानी फेंक देता है उतना पानी हम मात्र पौधों में डाल पाए हैं, तो इसमें मतलब 1 रुपए का काम किया हमने पूरे दिन में। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं ये पौधे में नए पत्ते निकल रहे हैं, वो नए पत्ते बस रोक दिया उन नए पत्तों ने, नहीं तो आदमी वो भी होता है मनोबल भी डाउन हो जाता है, तो वो नए नए पत्ते निकलते गए एक उम्मीद बनती गई और सब चलता गया, एक नया अंकुर एक नए जीवन की एक उम्मीद की किरण आपके, एक उम्मीद बन जाती थी जब भी नए पत्ते निकलते थे एक उम्मीद बन जाती थी। बिल्कुल सर, उम्मीद पे दुनिया कायम है और आज हमने प्रकृति से देखा कि वर्षा होनी चाहिए और कई जगह हमने भ्रमण किया तो प्रकृति ने साथ दिया और ये प्रकृति का ही एक अनोखा सहयोग है कि आज आपके यहाँ हम आए हैं और प्रकृति ने इतनी तत्परता के साथ जो पानी की जो बूंदे हैं बरसात के रूप में यहाँ पौधों को मिल रही है, तो एक अच्छी एक तृप्ति का एक भान पौधों को हो पाता है। सर अब भविष्य में आप किस रूप में इस स्थल को देख रहे हैं और आपकी क्या भविष्य की ऐसी उम्मीद
यहाँ को देखकर लगती है? देखिए, इसको तो हम एक मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बनाया भी है जिसे कुछ सीखे और अपने यहाँ लगाएं। स्कूल के बच्चे भी आते हैं, अब तो कुछ आए हैं, और कमोडिया आपका कॉलेज है, महिला कॉलेज है जयपुर में, वहाँ से भी लड़के आई और 70 तरह के नए पौधों की वो अपनी फाइल बना कर लगी लेके गई, तो एक मॉडल सा बन रहा है थोड़ा छोटा सा। लेकिन अभी क्या, हमारी एक क्षमता है, एक लिमिट है, तो हम लिमिट के अनुसार आसपास में जितने हैं उतने में कोशिश कर रहे हैं। यदि क्षमता बढ़ती है तो हम इसको आसपास के आश्रम हो, स्कूल हो, तो उन सबको भी इसके जैसा ही एक मॉडल बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कम से कम वे बच्चे आज पढ़ रहे हैं उनमें से कुछ नौकरी भी करेंगे, तो कम से कम उनके अंदर एक पेड़ों के प्रति एक लगाव तो बनेगा, क्योंकि हम स्कूल में लगाएंगे तो बच्चों के माध्यम से लगवाएंगे, उनको इसमें इन्वॉल्व करेंगे, तो इन्वॉल्व करेंगे तो एक जुड़ाव बनेगा उन बच्चों का उस पेड़ों के प्रति। बिल्कुल सर, तो वही अपने इच्छा है कि क्षमता बढ़ती है तो करेंगे जरूर करेंगे। बाकी आप जानते हैं, शारीरिक क्षमता की तो एक लिमिट है। अब मैं नहीं कह सकता कि मैं इस पहाड़ को उठा के इधर से इधर रख सकता हूँ एक, या मैं एक साथ 1000 पेड़ हर साल लगा सकता हूँ, नहीं। तो आप जानते हो राजस्थान जो है ये बकरी ऊंट और खुली पक्षी उनका जानवर है, कि यहाँ की जो इकोनॉमी है जो किसानों की है वो खेती के साथ साथ पशुपालन पर निर्भर है, और पशु आप जानते हैं खुला छोड़ेगा तो पेड़ पौधों को खाएगा ही खाएगा। बिल्कुल, हम यहाँ ये नहीं कह सकते हमने एक साल में 10,000 पेड़ लगा दिए, 5,000 लगा दिए, 1,000 कर दिए, वो सब झूठ है। और कोई यदि कहता है कि हम वो वीडियो बनाते हैं, फोटो खींचते हैं और डालते हैं, वो जाके उनकी रियलिटी बाद में पता करो तो वो आधे पेड़ भी नहीं रहते हैं। बिल्कुल, हाँ, यदि आपने पूरी बाउंड्री कर दी है या पूरी तारबंदी कर दी है तो मैं कहूंगा कि आप 1,000 पेड़ भी या 10,000 पेड़ भी लगाना संभव है। यदि कोई कहे कि मैंने खुले स्पेस में राजस्थान में 10,000 पौधे लगा दिए, नहीं नहीं मैं मानता नहीं, वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि हर एरिया में यहाँ पशुपालन है, टोटली इकोनॉमी जो है किसान की, किसान छोटे हैं, पथरी जमीन है, बारिश कम है, तो पशुपालन मैक्सिमम करते हैं, कहीं बकरी है, कहीं गाय है, कहीं जिसका जो भी है, खुले में चराते हैं। बिल्कुल सर, ये हरियाणा रहा है पंजाब नहीं है कि वो पशुओं को बांध के घर पर रखते हैं, नहीं, खुले स्पेस में लेकर जाते हैं। नहीं बिल्कुल सर, पिछले दो बार हम यहाँ आए और हमने जब स्टार्टिंग में मुकेश जी के साथ जब हम आए थे तो हमने एक छोटा सा एक नवाचार हमारे बानसूर में हवाड़ा जोहड़ जो कि होलावास के पास में है, वहाँ लगभग 4 एकड़ का एक जगह है, वहां पर हम इस तरह का एक कल्पना हम कर रहे थे हम, और उस कल्पना को वास्तविक स्वरूप देने के लिए बहुत सी जगह पे हमने भ्रमण किया। हम सर सीकर में जोर की ढाणी भी गए, वहां आप ही की तरह एक मतलब व्यक्ति ने आर्मी से रिटायर होने के बाद नवाचार किया और पति पत्नी ने मिलकर एक गांव में एक वो संभावना वहां पर उन्होंने जागृत की। बहुत लोग इस तरह का मॉडल जो हमने वहां देखा, लेकिन आपके पास जब यहां आए तो हमें एक प्रकृति का एक अट्रैक्शन लगा जो आपके चेहरे से भी भान होता है कि वाक्य में आपने पूरा जीवन इस पूरे जंगल को बनाने में समर्पित किया है, क्योंकि आपने अपनी शादी भी नहीं की और जिस उम्र में लोग अपने भविष्य निर्माण की कल्पना करते हैं उस आयु वर्ग में आपने इन पौधों के संरक्षण की बात की, और यह आपका संघर्ष का ही एक परिणाम है कि इन 14 से 15 वर्षों में ये पूरा जो सपाट दिखने वाला जो क्षेत्र था वो एक जंगल का एक रूप लेता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो मैं एक आपकी तरफ से युवाओं को और विशेषकर आधुनिक जो एक दिनचर्या जो लोग नई टेक्नोलॉजी के साथ जो जी रहे हैं तो उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे, क्योंकि आप प्रकृति प्रेमी हैं और वर्तमान में जो पारिस्थितिक जो परिवर्तन है, इकोसिस्टम जो जोग्राफिकल जो परिवर्तन हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रकृति से छेड़छाड़ करने के कारण या उनके मूल स्वरूप में बदलाव करने के कारण प्रतीत हो रहे हैं, तो युवाओं को और आने वाली पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं यही कहूंगा कि आदमी पैसे और नाम के लिए दौड़ता है, आप जानते हैं वो पैसा कमाना है, नाम करना है और मकान घर सब इसमें इसके लिए दौड़ता है, उसमें उसको सुकून लेने की कोशिश करता है, मतलब वो अपने को संतुष्ट करने की कोशिश करता है कि मेरे पास गाड़ी होगा तो मुझे अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा, लेकिन वो जब भी नहीं मिलता उसकी इच्छाएं और बढ़ती जाती है। मैं ये कहता हूँ कि आप एक पेड़ या 5 पेड़ जिसकी जैसी क्षमता है, जैसा है आपका एरिया है, लगाओगे तो आप महसूस करो। यदि पालने की कोशिश करो, एक तो होता है फॉर्मेलिटी, फोटो खिंचाने के लिए आपने पेड़ लगाया, यदि जिस दिन भी आप पालने की कोशिश करोगे तो आपको जो सुकून उसमें नहीं मिलेगा उससे ज्यादा उसमें मिलेगा।
मंदिर में आत्मसंतुष्टि मिलती है, हम किसी की मदद कर देते हैं। आपने खुद किसी ने भी अनुभव किया होगा कि उसने जब भी किसी की मदद की तो उसको अच्छा अंदर से अच्छा फील होता है। लेकिन जिस दिन में आप एक पेड़ पालोगे और वो बढ़ेगा, मैंने कहा ना नई पत्तियां निकलती है, नई उम्मीद बढ़ती है, जब भी वो पेड़ बढ़ना शुरू होगा उसको अच्छा लगता जाएगा। जिस दिन वो छाया देगा और उसकी छाया में जिस दिन वो खुद जाकर बैठेगा, उसको शायद वो गाड़ी घोड़ा या बंगले में इतना सुकून नहीं मिलेगा जितना उस पेड़ की छाया में मिलेगा। तो मैं कहता हूँ कि जो गांव के हैं वो लगाएं, यदि शहर के लोग हैं भाई शहर में ले होगा जी मैं नौकरी है टाइम नहीं है वो है, वो गांव में हर गांव में देखिए जगह वो काफी मिल जाती है। राजस्थान में तो खास तौर से मैं वो कहूंगा कि यूपी वहाँ नहीं मिल पाती है, सब जगह खेती है स्पेस नहीं कम होते हैं, लेकिन राजस्थान में तो हर जगह काफी गौचर और राडे खूब पड़े हैं, आश्रम बड़े बड़े हैं। तो आप वहां लगाइए, एक पे लगाइए, दो लगाइए, नहीं लगा पा रहे हो तो एक गांव के लगाइए और गांव के किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी दे दिए कि शुरू में उसको आपने 1000 रुपए दे दिए टी गार्ड के कहके बाढ़ के, उसके बाद आप उसके मंथली कह दीजिए कि मैं आपको 100 रुपए महीना दूंगा आप इसको पानी देना, लेकिन मैं नौकरी करता हूँ मैं टाइम नहीं निकाल पाऊंगा, मैं महीने में या 15-20 दिन में या 2 महीने में ही आ पाऊंगा, आपको मंथली मैं 100 रुपए महीना दूंगा 200 दूंगा, जिसकी जैसी क्षमता है। मैं कहता हूँ आप 50,000 की नौकरी करते हैं तो यदि 500 रुपए एक गरीब की मदद हो जाएगी, उसको एक छोटा सा एक रोजगार भी कह सकते हैं और आपके लिए एक वो पेड़ तैयार, आपके लिए नहीं सबके लिए, बिल्कुल सर वो आपका दान है। पेड़ लगाना भी मैं दान बराबर मानता हूँ। मंदिर है ठीक है करना चाहिए, गौशाला है ठीक है करना चाहिए, अनाथ आश्रम सब करना चाहिए भी चलता है सारा सिस्टम, लेकिन आप एक पेड़ पाल रहे हैं उसको भी आप दान के रूप में देखिए कि मैंने ये दान किया। दान करने के बाद आदमी को सुकून महसूस होता है, अच्छा महसूस होता है मैंने कुछ किया किसी की मदद की। और उसके बाद जिस दिन उस पेड़ पे आप देखोगे पक्षी ने घर बनाया है या बर्ड पीपल है उस पर चिड़िया फल खाएंगी तो आपको इतना सुकून मिलेगा, इतना सुकून मिलेगा शायद एक बड़ा भंडारा करने या एक बड़ा फंक्शन फंक्शन करने के बाद वो सुकून नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल सर, ये थे प्रदीप चौधरी जी जो खुद एक जिंदा ऐसी मिसाल हैं जिन्होंने अपने हौसलों की बदौलत एक ये नवाचार करके और उसे एक वास्तविक स्वरूप प्रदान किया है। कर खुदी को बुलंद इतना कि खुद खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है, इस टैगमार्क को और इस कहावत को कि जो कि अकेला चना भाड़ नहीं फूंक सकता, इन दोनों चीजों को चरितार्थ करने का काम प्रदीप जी ने किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें बहुत खुशी हुई आपसे आज हमारी गांववाणी स्टूडियो की टीम के साथ चर्चा करके, और आपका ये जो मॉडल है उसे हम आगे बढ़ाने में आपकी जरूर मदद करेंगे और इसी प्रकार के नए प्रकृति प्रेमियों को हमारे रविवार विशेष कार्यक्रम और लौट चले गांवों की ओर प्रकृति की ओर में जोड़ने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद।